HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है HJ न्यूज में। यहाँ महाकौशल एक्सप्रेस के 8 कोच देर रात करीब 2:07 बजे पटरी से उतर गए। हादसे में 45 लोग जख्मी हुए हैं। ट्रेन MP के जबलपुर से दिल्ली का निजामुद्दीन स्टेशन जा रही थी, पैसेंजर्स ने बताया। हम नींद में थे। महोबा और कुलपहाड़ के बीच कमालपुरा गांव के पास अचानक झटका लगा। हमारी नींद खुल गई। देखा तो ट्रेन पलट चुकी थी। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। हमारी जान तो बच गई, लेकिन हमने मौत को करीब से देखा है। अब तो ट्रेन में बैठने से भी डर लगेगा। ट्रेन में ट्रैवल कर रहे पैसेंजर मुकेश और गौतम ने बताया। हम लोग सो रहे थे, एकदम से 3 बार खड़खड़ की आवाज आई और ट्रेन पलट गई थी। सभी चिल्लाने लगे। इसके बाद सभी उठे और ऐसे पास के लोगों ने मदद की। खिड़कियों के शीशे तोड़कर हमें बाहर निकाला गया। फिर समझ में आया कि डिब्बे पटरी से नीचे चले गए हैं। हादसा महोबा और कुलपहाड़ के बीच गेट नंबर 420 पर हुआ। फर्स्ट AC का 1, सेकंड AC का 1 कोच, थर्ड AC के 2 कोच, 2 जनरल कोच, 1 स्लीपर और 1 SLR कोच हादसे का शिकार हुए हैं। हादसे के बाद झांसी और महोबा से रिलीफ ट्रेन फौरन भेजी गई। बताया जा रहा है कि महोबा स्टेशन से चलने के 10 किलोमीटर के बाद भी ट्रेन पटरी से उतर गई। उस समय ट्रेन की रफ्तार बहुत कम थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सभी पैसेंजर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। रेलवे के अफसर, DM, SP राहत कार्य में जुटे हैं। बांदा से घटनास्थल के लिए एम्बुलेंस भेजी गई है। हमीरपुर, बांदा और आसपास के जिलों से राहत टीमें बुलाई गई हैं। ADG लॉरेंट और दलजीत चौधरी ने बताया कि घटना के बाद से DGP ऑफिस एक्टिव हो गया है। रेलवे से जुड़े सूत्रों ने बताया कि 1-2 महीने पहले यहां ट्रेन की पटरी टूटी हुई थी, जिसे वेल्डिंग करके जोड़ा गया था। हो सकता है कि वेल्डिंग कमजोर होने से ये हादसा हुआ हो।